सो वेलकम बैक निबानी बीज उनके पापा एंड मम्मीज गाइस, आज तुम्हारा भाई एक न्यू एपिसोड लेके आ गया माउंटेन लाइफ सिमुलेटर का। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था अपना छोटा सा लकड़ी का घर, तो आज मैं बनाने वाला हूँ बढ़िया सा मॉडर्न हाउस। तो जल्दी चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर देना यार। भाई यहाँ तो गंदा वाला तूफान आ रहा है, गंदा वाला तूफान आ रहा है भाई, बारिश इतनी गंदी हो रही है। और यहाँ के पेड़ वेड़ तो मैंने थोड़े बहुत काटे थे, लेकिन ये पेड़ खुद गिर गए थे भाई बारिश की वजह से। तो मैंने सारी लकड़ी कलेक्ट करके ना यहाँ पे रख लिया, जिससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने छोटा सा घर बनाया था, तो उसको तोड़ के मैंने अब यहाँ पे पूरा भाई बेस बना दिया है। जैसे यहाँ से देखो, ये जैसे फ्लोर डेक होता है ना, यहाँ पे डेक बना चुका हूँ एक तरीके से। यहाँ पे हम अपनी जैसे चेयर वेयर रख ली और वादियाँ देख सकते हैं आराम से बैठ के। और यहाँ पे बीच में बनाऊंगा, और थोड़े मैंने स्टोन्स भी कलेक्ट कर लिए, जिससे मुझे बार बार जाना ना पड़े और आप लोगों को वीडियो में ज्यादा मजा आए। इससे मैंने पहले कलेक्ट कर ली है। तो भाई कुछ चीजें मुझे अभी भी देख के आनी, जैसे मुझे हंटिंग की गन। भाई बारिश कब खत्म होगी, इतने तगड़ा तूफान आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। हेडफोन्स अगर लगा के देखोगे ना, इतना खतरनाक साउंड आ रही है ना, जैसे भाई रियल में बारिश हो रही हो। तो भाई जल्दी से बंद हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। अभी रात नहीं है, सुबह ही है, देखो ऊपर से भाई चल रहा है, सुबह है। तो लकड़ियां भी काफी है और ये स्टोन्स भी काफी है, थोड़े से स्टोन्स मेरे पे इन्वेंट्रीज में पड़े हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार अब ना बनाना चालू कर दो। देखो मैंने बेस तो उसका लकड़ी का बनाया, ऐसे ना सही रहता है भाई, जैसे थोड़ा ऊपर रहेगा और अच्छा रहता है लकड़ी की वजह से। तो अभी और स्टोन इतने भाई कलेक्ट हो नहीं पाते हैं, पत्थर तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, लकड़ी तो हमें आसपास मिल जाती है, पत्थर हमें ढूंढ ढूंढने पड़ते हैं बहुत जगह पे जा जाके। तो भाई मेरे पे बिजली बिजली ना गिर जाए, आके मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। मैं अपना ना घर बनाना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा घर के अंदर छुप तो जाऊंगा। भाई फाउंडेशन, फाउंडेशन की जरूरत नहीं, मुझे वॉल चाहिए, स्टोन की वॉल। देखो मेरा आइडिया कुछ ऐसा है, एक देखो यहाँ एक वॉल बना दी और एक यहाँ वॉल बनाई, गेट गेट यहीं पे रखेंगे, गेट बीच में रखेंगे ना एकदम गेट। ये यहाँ से ये गेट हो जाएगा, नहीं रुक जाओ यहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे स्टोन हटाने पड़ेंगे। पहले साइड से कर देता हूँ जहाँ पे स्टोन वगैरह नहीं पड़े मेरे, है ना। ये एक यहाँ पे वॉल बनाई, एक यहाँ पे वॉल बनाई, चलो लकड़ी हट जाओ यार वहाँ से। अब मैं रुक जाओ एक मिनट, इसको मैं पीछे वाली कोई वॉल तोड़ देता हूँ, वेट अ मिनट, मैं ना इसको पीछे वाली वॉल तोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी किसी काम की नहीं है। मैं पूरी स्टोन की, पूरा स्टोन का घर बनाऊंगा ना भाई, एकदम मजबूत। चलो टूट जाओ तुम भी, ये तो मैंने बस ऐसी सपोर्ट के लिए बना दिया था, इससे मुझे पता चले कि कहाँ बनाना है। अबे यार ये तो देख रहे हो इतनी सारी फैल गया है इधर से उधर सामान सारा। तो मुझे ना लग रहा है थोड़ा पहले उस साइड से बना के आता हूँ, जिससे सही रहेगा ना। एक मिनट, थोड़े स्टोन्स और ले लेता हूँ जितने भी पड़े हैं यहाँ पे, जितने मेरी इन्वेंटरी में आते रहेंगे मैं उतना लेते रहूंगा, है ना। ये सही है। One hour later. यार गाइस छोटे से ग्लिच के चक्कर में मेरी सब चीज तबाह हो गई। देख लो यार, मैं थोड़ा सा ग्लिच हो गया गेम में और मैंने रीस्टार्ट करा, यार सब देखो मेरे स्टोन सारे इधर उधर गिर गए, और मेरे जो कटिंग लॉक्स थे भाई, जो मैंने लॉक्स इकट्ठे कर रखे थे, प्लैंक्स इकट्ठे कर रखे थे, सब भाई गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ आइडिया नहीं है। बस भाई अब जो बचा यही है, इनको स्टोन्स को उठाते हैं एंड अपना घर बनाना चालू करते हैं भाई। पेड़ की चलो भाई, एक भगवान का शुक्र है कि स्टोन्स नहीं गए, क्योंकि भाई पेड़ तो मैं यहाँ से भी काट लूंगा। पेड़ तो पास में मिल जाते हैं आप लोगों को, मतलब आप लोगों को पता ही है पेड़ तो पास में मिल जाते हैं, बट भाई स्टोन्स ना थोड़े चक्कर है स्टोन्स में। तो इन्वेंटरी फुल हो गई है, मैं फिर से बनाना चालू करता हूँ अपना घर। तो मैं कहाँ था, वॉल बना रहा था भाई यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पे लगेगी। भाई ये तो कवर हो चुका है ऑलमोस्ट, ये हो गया और एक यहाँ पे हो गई, ठीक है। एक बड़ा सा गेट बनाया क्या, बड़ा सा गेट देखता हूँ। गेट के लिए मुझे चाहिए थोड़ी वुड, वुड चाहिए तो वुड तो काट लेंगे यहाँ से, टेंशन वाली बात नहीं है, जल्दी से काटना चालू करते हैं। और भाई इसमें ना एक चीज बढ़िया, जैसे यहाँ पे देखो वुड कटी हुई थी ना पहले, और सारे पेड़ फिर से वापस आ गए ऑटोमेटिकली, कोई जल्द कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, पेड़ अपने आप ही वापस उग जाते हैं वो, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई। ठीक है, जल्दी वुड और चाहिए। अब ना पता जैसे अगर हम स्टोन का घर बना रहे ना, और भाई मैं ना सबसे ज्यादा पैसे यहाँ पे हंटिंग करके कमा सकता हूँ। तो हंटिंग के लिए मुझे चाहिए होगी शॉटगन या राइफल वाइफल जो भी मिल सकती है मुझे, और तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मार्केट। तो मार्केट अभी चलते हैं और थोड़ा बहुत घर का सामान लेके आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने देखा रात एक मिनट इसको उठा लेता हूँ। पहले सोने के लिए हमें चाहिए होगा बेड, और बेड लेके आना पड़ेगा हमें मार्केट से, तो वो भी लेके आते हैं। ये स्टोन मेरी है क्या, नहीं ये वाले स्टोन मेरे नहीं है, ये वाले स्टोन मेरे हैं, इनको जितना उठा सकता हूँ उठा लिए, इन्वेंटरी फुल हो गई फिर से। चलो अब बनाना है, हैमर लो अपना, और भाई गेट गेट बनाना है सबसे पहले, ये वाला बढ़िया सा गेट बनाते हैं, डबल गेट बना लूँ क्या, डबल गेट अच्छे लगेंगे है ना, दो गेट सही है। एक एक गेट रखूँगा ऊपर जाने के लिए और उसको कवर कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है ना, ये सही है, ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा है।
अगर आपको कुछ और भी मतलब आइडियाज हो आपके मन में कि भाई आप ऐसा घर बनाओ या वैसा घर बनाओ, कि भाई ऐसा बनाओ, तो भाई मैं ना उस तरीके से भी बना सकता हूँ, मतलब जैसे आपका मन करे, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताते रहना कि भाई मुझे ऐसा घर चाहिए, भाई आप मुझे ऐसा घर चाहिए। ये मैं ना घर का थोड़ा पार्टीशन पार्टीशन कर देता हूँ, ये ऊपर जाने का वे बना दूंगा मैं, ठीक है। बाहर से रखेंगे ऊपर जाने का वे, अंदर से कुछ वे नहीं रखेंगे, ये बंद, ठीक है ना। और ये नहीं, एक मिनट, ये मुझे तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ देता हूँ, एंड ये स्टोन सारे जो हैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है। अब सही है एकदम, क्या लग रहा है भाई? ये रखेंगे ऊपर जाने के लिए बस, जैसे दूसरा फ्लोर बनाऊंगा ना ये उसके लिए, या कोई स्टोर रूम वो रूम टाइप, तो बढ़िया लगेगा। एक मुझे चाहिए होगा गेट, गेट वुडन का ही बनेगा क्या बस? आए क्या बात है भाई, क्या लग रहा है भाई अपना घर क्या मस्त लग रहा है, बड़ा सा। अब ये कोई टूट भी सकता, बहुत बड़ा घर बनाया है मैंने वैसे तो। अब सेकंड फ्लोर बनाना है, सेकंड फ्लोर के लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी वुड, तो मैं थोड़ी वुड कटिंग कर लेता हूँ। नहीं, उससे पहले पहले चलते हैं मार्केट, अभी मौसम कितना सही हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार अभी बना लेते हैं जितना घर बना सकते हैं, क्योंकि फिर से बारिश आएगी, माउंटेन एरिया है भाई, बारिश तो यहाँ पे आती रहती है। तो उससे पहले हम ना जाके पहले शॉटगन या कुछ कुछ ले आते हैं यार, गन्स वंस, जिससे मैं हंटिंग कर सकता हूँ और पैसा कमा सकता हूँ ज़्यादा। तो जल्दी चलते हैं मार्केट, और ये ना अपने रास्ते के भी थोड़ा सही करना पड़ेगा हमें। यहाँ मैं ना फाउंडेशन अगर बिछा सकता हूँ ना, अगर वो स्टोन की, तो मैं सारी जगह यहाँ बिछा दूंगा। और जो पेड़ वेड़ जो बीच में आ रहे हैं ना, इनको भी काटना पड़ेगा। और मैंने भाई अभी तक ये पूरा मैप एक्सप्लोर भी नहीं करा, तो ये वीडियो मैं थोड़ी बड़ी रखने वाला हूँ, आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे मैप और घर ही बना के दिखाऊंगा, टेंशन मतलब भाई आज इसी वीडियो में। तो देखते पहले तो, हाँ चलो मार्केट आ गए भाई, मार्केट से सामान ले लेता हूँ पहले। चल बेटा ब्रेक लग जा, और ये ना मैं जब ट्रक बदलूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है ट्रक, ये मेरी रेपुटेशन के खिलाफ है, मुझे चाहिए फरारी टाइप कुछ। भाई अभी हमारे लिविंग एरिया बना नहीं है, तो जब ये सब चीज़ें मतलब मैं अपना पूरा एरिया बना दूंगा ना, तो ये सब चीज़ें लेकर एक बेड बेड ले लेते हैं, एक बाथरूम में, अभी भाई पॉटी तो आएगी आएगी, तो एक टॉयलेट बाद में लेंगे, किचन किचन का सामान भी बाद में लेंगे, क्योंकि अभी खाना वाना बनाना नहीं है। थोड़ी लाइट्स ले लेते हैं भाई, लाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइट्स लाइट्स तो भी दुख जा, ये रही भाई शॉट गन मेरे पास है अभी, $2,300। तो एक शॉट वो आ रही है, राइफल आ रही है, शॉट गन, बोल्ट शॉट गन है भाई, ये 600 की आ रही है। और थोड़ी एमओ खरीद लेते हैं, एमओ मेरे पास हो गई होगी, अदर अदर चीज़ें क्या पे हैं। एक भाई चेस्ट चेस्ट भी जरूरी है, चेस्ट भी ले लेते हैं, ये भी हो जाएगी। और ठीक है भाई, ये सब चीज़ें मैंने इन्वेंट्री में डाल ली है। चलो अब मैं चलता हूँ वापस अपने घर, और थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, सामने देखते हैं पेट्रोल पंप पे क्या है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल भी देखा नहीं था भाई सामने क्या है, और आसपास आस पड़ोस में कुछ भी नहीं देखा था। ओके, ये दीदी मुझे लग रहा है, आई थिंक, एक मिनट से बात करते हैं। अरे यार ये तो क्यूट है यार, भाई मुझे प्यार हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भाई मुझे लग रहा है ये हम जैसे हमारे ट्रक में पेट्रोल खत्म हो गया, तो ये हमारा ट्रक को पेट्रोल पंप पे पहुँचा सकती हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो पेट्रोल रिफिल करा लेते हैं, $54 में रिफिल हो गया पेट्रोल मेरा। और यहाँ के लोगों से बात करते हैं, ये क्या है यार, यहाँ पे ट्रक्स वर्क्स खड़े हैं थोड़े, मुझे लग रहा है ये ऑटो रिपेयर शॉप है, या कुछ कुछ ट्रक मतलब यहाँ पे कोई कार वार मिलती हो क्या पता, देखते भाई चेक करते हैं अंदर चल के देखते हैं। ओ कुछ तो है भाई, बंदा बैठा भी है, और यहाँ पे पार्किंग वाले एरिया भी है, ठीक है भाई मैं अपने ट्रक को यहाँ लगाता हूँ। और भाई दो कार खड़ी तो हैं, बट ये टूटी फूटी मुझे लग रहा है, ऑटो रिपेयर शॉप है। अरे भैया आप ऑटो रिपेयर वाले हो क्या? ठीक है। ओ भाई मैं जैसे अपने ट्रक में कुछ चीज़ स्टोर कर सकता हूँ, जैसे स्टोरेज स्टोरेज एरिया पीछे जो ट्रक का एरिया है, स्टोरेज वाला है वो, तो उसमें हम एरिया बढ़ा सकते हैं $500 का, और ट्रक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओ भाई मुझे लगा कि पेंट हो रहा है, तो पैसे ना कट जाए, मैं रेड करा रहा हूँ अपने ट्रक को, रेड थोड़ा अच्छा लग रहा है, रेड ट्रक बेटर है भाई, पहले से तो अच्छा लग रहा है। और मैं इसमें स्टोरेज भी बाद में बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतना इनफ मनी नहीं है, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। और मैं हाँ एक चीज़ तो मैं भूल गया, जो मार्केट से लेनी थी वो है खाना, तो खाना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे दिखा एक डियर, मैं निकालता हूँ अपनी राइफल शॉटगन, मतलब सॉरी मैं बार बार राइफल बोल रहा हूँ उसे, और इसको करते हैं फोर सेलेक्ट, मेरे पास 15 गोली है, रिलोड मारते हैं पहले। चलो ये मारा भाई, मारा क्यों नहीं, ये इतना कमजोर है क्या राइफल वाली? भाई एक और मारा, ठीक है गया भाई, गया गया गया, नाइस 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 नाइस, मुझे मारते हुए बिल्कुल अच्छा लग रहा, बट करना तो पड़ेगा यार। मीट मिल रहा है मुझे, और थोड़ा फर मिला है, डियर फर मिला है, तो भाई हंटिंग से मुझे देखता हूँ ये फर कितने का बिकेगा, पहले देखते हैं, ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, जब भी तो हम पैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इस गेम में, अमीर बनना है यार, $1,400 से क्या होगा अपना, कुछ भी नहीं। ये क्या है, ये छोटा डियर का लकड़ी का, ये क्या है? तो सेल करते हैं पहले फर 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 फर, भाई डियर फर बिकेगा $200 का,
भाई $200 का फर, और रॉ मीट भी दे देता हूँ इनको, मुझे मेरे किसी काम का नहीं है, मैं मीट वीट नहीं खा रहा, मैं त्याग रखा भाई, सावन चल रहा है तो मैं मीट नहीं खाऊंगा, गेम में भी नहीं खाएंगे ब्रदर्स। चलो जल्दी से अपना ट्रक उठाता हूँ, लेके चलते हैं घर को। चलो रास्ते में कोई डियर मिलेगा तो उसको भी चटका देंगे, और मुझे सामने एक डियर दिख तो रहा है, और पैर, मुझे डियर नहीं दिख रहा भाई, सॉरी मुझे पैसे दिख रहे हैं। डियर, उई एक मारा, भाग कर रहा है, भाग कर रहा है, भाग कर रहा है, भाग कर रहा है, भाग गया भाई, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग। ओ भाई बच गया, बच गया यार, कहाँ भागा, आवाज तो आ रही है उसकी, ये रहा, ठीक है गया गया भाई। राइफल, मेरी शॉटगन बहुत तगड़ी है, बट मुझे शॉटगन नहीं लग रही आ रही है, ये राइफल लग रही है। और थोड़ी हंटिंग कर लेते हैं पहले, कुछ और डियर भी मिल जाएंगे क्या पता, यहाँ पे थोड़े पैसे ज्यादा ही कमा के लेके चलेंगे ना घर पे। अब मुझे लाइट्स भी लेके जानी, तो लाइट्स अभी ले लूंगा, बेड वेड तो मैंने सब चीज़ खरीद ही ली है, अभी तो कोई नहीं दिख रहा यार। जब मिलने होते ना, जब ये मुझे नहीं चाहिए होते डियर, जब मेरे पास शॉटगन नहीं थी तब ये मुझे ऐसे दिख रहे थे, मतलब 5-6 तो ऐसे दिख जाते थे, और अब ये मुझे नहीं चाहिए, और ये मुझे इसे पकड़ना था भाई। अबे रिलोड मार, रिलोड ही नहीं है भाई, ये भाग जाएगा। फॉक्स है ये, फॉक्स से बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे थे वहां पे, मैंने देखा फॉक्स के पैसे ज़्यादा है भाई, मर एक, ये तो एक शॉट में, एक शॉट में गया भाई। रॉ मीट मिला है और फॉक्स फर मिला है, तो ठीक है इसको भी सेल कर देते हाथों हाथ, जब है तो सेल कर दो। ये नहीं, डियर के ज़्यादा पैसे हैं, डियर के ज़्यादा पैसे हैं, और मैं यहाँ पे फिशिंग भी कर सकता हूँ आई थिंक, और फिशिंग एरिया में पहले मैप में एक्सप्लोर करता हूँ, फिशिंग एरिया ये होगा, और मैं यहाँ पे देखो दूसरे घर भी कर ही सकता हूँ, ये वाला घर है, एक ही मेरा घर तो है ही, एक ये, और ये एक आगे भी पेट्रोल पंप है, और एक यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी। भाई मैं सोच रहा हूँ पहले ना कुछ लेक के आसपास वाला घर खरीदूंगा, ये वाला घर खरीदूंगा पहले, फिर जाके दूसरे घर खरीदेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो मेन घर है उसको बना तो ले पूरा यार, जब जाके तो कुछ होगा। चलो जल्दी से गाइस आपको मिलते हैं अपने घर पे सीधा, ऑलमोस्ट रात होने वाली है, और मैं जो बेड वेड लेके आया हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ अभी लगा देता हूँ जल्दी से, और मेरे ख्याल से बेड हम एक्सेस हैमर से ही कर सकते हैं। ये रही वो बेड, ये दो चेस्ट लेके आया हूँ मैं, चेस्ट लगाता हूँ यहाँ पे जिसमें हम अपना कीमती सामान रख सकते हैं। चेस्ट कहाँ गई, एक ये लगा दी, और ये दो चेस्ट है ना मेरे पास, एक और चेस्ट लगा देते हैं, और मैं थोड़ी लाइट्स लेके आया हूँ, अभी ज्यादा कुछ नहीं लेके आया, लाइट बेड जो मतलब नॉर्मल मेरे नीड की चीज है ना वो लेके आया हूँ, जैसे सोने के लिए बेड तो बहुत जरूरी है भाई। एक लाइट लगाते हैं यहाँ पे, रुक जाओ, लाइट एक फ्लोर लैम्प एक यहाँ पे, क्योंकि बेड के पास तो होना बहुत जरूरी है, एक यहाँ पे ठीक है ना, और एक ना मैं यहाँ पे वॉल लैम्प लगाता हूँ, ठीक है ठीक है। ये क्या है, ओए भाई क्या मस्त लग रहा है यार, अब भाई कसम से बहुत बड़ा मस्त लग रहा है यहाँ पे। अब एक एक वॉल लैम्प यहाँ लगाते हैं, रुक जाओ ढंग से लगाते हैं ना जिससे अच्छा सा लगे, एक वॉल लैम्प यहाँ पे। ये ना बार बार एक्सेस करने पड़ रही है सब चीजें, मतलब बार बार सेलेक्ट करनी पड़ रही है, ये आ नहीं रही है। एक यहाँ पे मुझे लग रहा है वॉल लैम्प लगेगी नहीं, आई थिंक यहाँ पे नहीं लग रही है वॉल लैम्प, तो यहाँ लगा देते हैं, एक सामने की तरफ लगा देते हैं, दो ही बची है ना बस मेरे पास, ये रही। यहाँ लग क्यों नहीं रही है, क्या हो गया इसे, लग गई लग गई लग गई लग गई लग गई, इसको भी जला देते हैं, सबको सबको जला देते हैं, जब भी तो देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है अपना घर। भाई फाइनली लाइट तो आई अपने घर में, बट ये बिजली का बिल नहीं आएगा यहाँ पे, ओए भाई क्या लग रहा है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको उठा देता हूँ पहले, हटिया इसको उठाओ पहले यहाँ से, इसको यहाँ लगाता हूँ, क्योंकि एक तरफ बहुत ज्यादा लाइट लाइट लग रही है वहां पे, अच्छा नहीं लगेगा ना भाई। ये इसको यहाँ लगा देते हैं, अब लग रहा है बढ़िया, एक यहाँ पे भी होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं दूसरी वाली लाइट लगाऊंगा बाद में लाके, ये बहुत तेज लग रही है, यहाँ पे बंदा सोएगा कैसे, रात हो गई है, एंड मैं सोच रहा हूँ पहले सो जाऊं या थोड़ा काम कर ले, मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ के आराम से काम करेंगे, बट यार डर एक ही चीज का, बारिश ना आ जाए यार, बारिश से बहुत ज्यादा डर लगता है, जंगली जानवर से डर नहीं लगता साहब, डर लगता है तो बस बारिश से, कि हम पे बिजली ना गिर जाए, बिजली ना गिर जाए मेरे पे। सो जाओ भाई, सुबह उठेंगे सीधा। चलो सुहाना मौसम, लाइट बंद कर देते हैं, बिजली का बिल आ जाएगा नहीं तो, सारी लाइट्स ऑफ, चलो ये बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, और मैं सोच रहा हूँ ना चेस्ट में हम कितनी चेस्ट को एक्सेस, अच्छा ठीक है चेस्ट में सारा फूड डाल देता हूँ, फूड की थोड़ा बहुत, एक ये दो फूड रखें, ये खा लेता हूँ मैं पहले, क्योंकि भूख लग रही है अभी बहुत ज़्यादा, ईट ईट ठीक है। चलो 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 चलो, अब मुझे थोड़ा बाहर से बनाना है, तो
तो उसके लिए स्टोन उठा लेता जितने भी मेरे पहले के स्टोन थे सारे। चलो बेटा आ जाओ वापस मेरे पास, तुम मेरे ही अमानत हो, ये तो गलती से तुम मेरे से गिर गए हो, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देता। पता कितना कितना टाइम लग गया था इसे कलेक्ट करने में भाई, कम से कम एक दिन, मतलब इस गेम के 4-5 दिन लग गए थे कलेक्ट करने करने में इसे, क्योंकि पत्थर बहुत दूर से लाने पड़ते हैं स्टोन। ये मुझे मैं पहले सोच रहा हूँ एक ना यहाँ पे ऐसे करके कुछ बनाया जाए जो थोड़ा अच्छा सा लगे। ये कोने कोने में नहीं यार, ये यहीं पे से, हाँ एक यहाँ पे बड़े लग रहा है, मैंने यहीं सोचा था यहीं लगाने के लिए। ये बेस है ना भाई, अगर पिलर्स नहीं होंगे तो घर तो मेरा टूट ही जाएगा। अगर इतनी इतनी रियलिस्टिक गेम है ये, तो मेरा घर टूट जाना चाहिए अगर वो बेस पे ढंग से बना नहीं है, ढंग से मतलब पिलर्स विलर्स बने नहीं है तो टूट जाना चाहिए, अगर बिल्कुल रियलिस्टिक वाला सीन है तो। स्टोन रूफ स्मॉल, रूफ है अच्छा, ये रूफ है, बट मैं यहाँ पे रूफ कैसे लगाऊँ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा यार मुझे। पिलर्स तो लगा दिए मैंने, बट थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो रहा है भी, करे तो करे कैसे इसको, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन है पर ऑप्शन है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कैसे करे। कि मेरे पास देखो छोटी रूफ है, ये रूफ वाला सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे होगा। या तो मैं अगर इसको ऐसे लगा सकता हूँ है ना, और एक रूफ को मैं ऐसे, ये ऐसे लगा सकता हूँ, ये सही लग रहा है क्या? अच्छा मेरे पास इनफ मटेरियल ही नहीं है, थोड़े से पेड़ काट लेता हूँ जिससे मेरे पास बन जाएगा, क्योंकि स्टोन तो है मेरे पास, वुड नहीं है, वुड तो मैं काट लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अपने घर के पास इतनी सारी वुड्स है ना, मतलब इतने सारे पेड़ हैं, उससे वुड तो मिल ही जाएगी। अरे रुकना है, कहाँ जा रहा है तू भी, पता नहीं कहाँ भाग रहा है, कटना तुझे जब भी है भाई, मैं फिर से उगा दूंगा तुझे, टेंशन क्यों ले रहा है भाई। जल्दी से काटते हैं और जल्दी से रूफ बनाते हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है, आई थिंक बारिश से बड़ा डर लगता है भाई मुझे तो। इतना गंदा साउंड आता है ना तूफान का, बूम 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 बूम, मतलब ऐसे बूम बूम नहीं, जैसे अबे देखो आ ही गई भाई, बारिश का नाम लिया, बारिश आ गई और अंधेरा होना चालू हो चुका है, तो मैं जल्दी से पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए, अरे हैमर आना, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इसको बेस बनाते हैं इसका। ओए होए होए, क्या लग रहा है, ये बहुत सही लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कसम से। एक ना एक चीज़ हो रहा है, एक चीज़ ये क्या थी, ये है ना वो, नहीं ये नहीं है वो, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो ये होएगी क्या भाई, ये वो भी नहीं है, नहीं मैं कुछ गलत ही सेलेक्ट कर रहा हूँ आई थिंक, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये है वो, और एक, अबे नहीं क्या कर रहा है ये, मुझे हैमर दे जल्दी, बारिश आ रही है, ये सब मजाक नहीं है अभी इस टाइम। ये रहा, क्या लग रहा है अब सही है, एक यहाँ पे और एक एक यहाँ पे, अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है गाइस, जिस तरीके से मैं बनाना चाह रहा था वो बन चुका है भाई। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे तो ये वाला अच्छा लगता, ये वाली वॉल अच्छी लगती यहाँ पे, और ये मैं तोड़ना पड़ेगा, चल बेटा टूट जा, टोन तो मैं बाद में उठा लूँगा। ये रही ये रही ये रही ये रही, थोड़ा वेंटिलेशन टाइप हो जाता है ना तो वो अच्छा लगेगा यार, बट ये पूरा नहीं, पूरा चाहिए भी नहीं, पूरा चाहिए भी नहीं, ऐसे अच्छा लग रहा भाई, ये देखो खुला खुला सा कितना बढ़िया लग रहा है। और बाहर लगाते हैं लाइट्स, बाहर अंदर जो लाइट्स है ना उसको मैं बाद में अंदर के लिए लेके आ जाता हूँ, पहले ये वाली लाइट्स ना बाहर लगाते हैं। कहाँ गई कहाँ गई, कहाँ लगाई थी वो लाइट, गायब हो गई थी, ये रही ये रही गाइस, दो लाइट्स तोड़ लेते हैं क्योंकि अंदर बहुत सारी लाइट्स हो रही हैं अभी। नहीं ये क्यों टूट गया भाई, ये नहीं टूटना था, वो टूट गया भाई, फिर से बारिश आ गई। जल्दी वॉल कहाँ है, फाउंडेशन है तो वॉल चाहिए ब्रदर, चलो ये काम भी हो गया पूरा। और बाहर दो लाइट लगाते थे जल्दी से, एक यहाँ पे और एक ये मैंने यहाँ पे लगा दी गलती से, और इसको सही से लगाते हैं, और ये लग गई, इसको ऑन कर देता हूँ, बारिश वैसे ही आने वाली है। क्या लग रहा है अपना घर, पहले से तो इतना झकास लग रहा है भाई, आप लोगों को कैसा लग रहा है, मतलब अभी तो मैंने स्टार्टिंग करी है सब इसको बनाने की, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बताओ भाई जल्दी से कमेंट में, जल्दी बताओ। तो अभी मुझे क्या कर रहा था, हाँ थोड़ी लाइट अंदर की भी खोल देते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है बड़ी तेज, ये वाली भी और, एंड ठीक है भाई आप मुझे बनाना सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर आई थिंक यहाँ पे तो ये बैठने का एरिया बनाऊंगा, जैसे थोड़ा बाहर बैठ गया आराम से, वादी देख ली, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे मेरी गाड़ी यहाँ पे आके पार्क हो जाए, तो वहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे पार्क होगी तो अच्छी लगेगी। एंड ये ऊपर जाने का रास्ता मुझे कुछ
दूसरा फ्लोर कैसे बनाया जाए ये पता नहीं चल रहा। दूसरे फ्लोर पे देखते हैं क्या कैसे करें। दूसरा फ्लोर स्टोन फ्लोर 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 ये रहा। बट ये थोड़ा छोटा सा नहीं हो जाएगा यार अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, ये रूम बहुत छोटा छोटा सा लगेगा। सही है वैसे तो, बना देते हैं। इसके लिए मुझे बहुत सारे स्टोन चाहिए भाई, ये करने के लिए मुझे बहुत सारे स्टोन चाहिए। मैं जल्दी से कलेक्ट करके आता हूँ भाई, उसको आपको कलेक्ट करने के बाद मिलते हैं सीधा। The next morning. चलो भाई सेकंड फ्लोर का काम स्टार्ट करते हैं अपना। बहुत देर हो चुकी है यार सेकंड फ्लोर का काम नहीं स्टार्ट हुआ। और यार ये बारिश इतनी तेज हो रही है ना भाई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश हो रही है। तो वॉल बनानी चालू करते हैं एक यहाँ पे, एंड मैंने स्टोन्स भी कलेक्ट कर ली। जो सबसे मेहनत काम है ना भाई वो मैंने ऑफलाइन कर लिया, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं करा भाई। बहुत टाइम लग गया उस स्टोन्स को कलेक्ट करने करने में, क्योंकि तोड़ने पड़ते हैं और एक उससे ना बस चार ही स्टोन मिलते हैं। तो भाई मैंने कम से कम इतने सारे स्टोन कलेक्ट करे ना, वो गिनती नहीं है इतना, मतलब इतना आपका मेरा सेकंड फ्लोर बन जाएगा, मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से कलेक्ट करने के स्टोन्स को। ये लो ये सारे यहीं रख दिए मैंने, उधर उधर जगह जगह गिरा दिए जिससे मुझे स्टोन्स मिल जाएँ आसानी से। ये रहे, और मैंने थोड़े बहुत चेंजेस भी हल्का फुल्का चेंजेस से करे, दिखाता हूँ जो आपको। अरे हो जाना है, हो गई इन्वेंटरी फुल हो गई। देखो भाई पहले ये वन पिलर वाला बना रखा था, अब मैंने दो पिलर वाला बनाया है भाई, क्या लग रहा है ना। और ये रूम्स देखो, रूम्स की लाइट देखो कितनी अच्छी लगा रखी है। रूम्स में थोड़े और स्टोन कलेक्ट कर रखे हैं मैंने, कितनी अच्छी लाइट लग रही है, देख रहे हो, अच्छा लग रहा है यार। ये ऊपर वाली लैंप अच्छी लग रही है, फ्लोर वाली लैंप जो है ये थोड़ी ज़्यादा रोशनी कर रही है, क्योंकि सब तरफ लाइट्स आ रही है इसमें। वॉल 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 लगाओ भाई, विंडो, सॉरी यार विंडो लगाना भूल गया मैं, विंडो लगानी बहुत ज़रूरी है। एक विंडो यहाँ पे और एक विंडो यहाँ पे, यार ये तो गलत हो गया थोड़ा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे स्मॉल को लगा देंगे ना, ठीक है। ये लग गई एक, ये लग गई, और बड़ी वॉल, चलो बड़ी वॉल और स्मॉल। ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ना स्मॉल भी दे रखा है, तो अगर मैंने विंडो लगाई है तो उसके लिए उसमें गैप थोड़ा कम होता है, तो वो लगा दो, ये ठीक है, ठीक है ना, अब अच्छा लग रहा है। ये देखो एक विंडो यहाँ लग गई है सामने देखने के लिए, और एक विंडो मैं यहाँ पे लगाता हूँ अभी, ये तो तोड़ के। अरे मेरे पत्थर सारे नीचे गिर गए, उठा लो भाई जल्दी से, ठीक है हो गया काम भाई। ऑलमोस्ट सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट होने ही वाला है, फिर अपने मज़े ही मज़े हैं। बट यहाँ पे तो, अरे यार ये ना मैंने गलत जगह लगा दी, यहाँ से कौन ही देखेगा, इसको तोड़ो। प्लैंक्स वापस आ और स्टोन भी वापस आ, दूसरे स्टोन वापस बाद में उठा दिया, चलो उसको तो बाद में ले लेंगे। ये यहाँ लगाते हैं विंडो और वहाँ पे वॉल लगाता हूँ, अब एकदम बढ़िया लगेगा भाई। ये हो गया भाई काम फिनिश, सेकंड फ्लोर कंप्लीट, क्या लग रहा है यार। अब बस एक ऊपर ना रूफ बनानी है जिससे ये थोड़ा अच्छा लगे। एक मिनट पहले ना ये पहले सही से कर देते हैं ना। अरे यार इसके लिए कौन सा ट्राइंगल यूज़ होगा भाई, इसके लिए कौन सा ट्राइंगल यूज़ होगा, ये तो कुछ लग ही नहीं था यहाँ पे। स्मॉल भी नहीं लगेगा, तो मुझे आई थिंक यहाँ पे वुडन का तो नहीं लगेगा। मेरे पे मटेरियल ख़त्म हो गया क्या, हाँ मेरे पास स्टोन भी कोई ख़त्म हो गया जिससे मैं बना सकता हूँ। थोड़े बहुत स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे जाके, पहले उठा ले यार भाई, इन्वेंटरी फुल करके जाऊँगा। चल 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 चल, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास, घर बनाना है भाई आज, भाई लोगों को मॉडर्न हाउस बना के दिखाना है खतरनाक सा। चलो हेलो, अब देखते हैं इन्वेंट्री में कैसे। अरे यार मुझे हिट, यार गलती हो गई, मुझे वुड्स प्लैंक भी चाहिए इसमें, एंड ये पिलर किस काम के हैं, पिलर तो किसी काम के नहीं है। आई थिंक ये काम आए, एक मिनट देखते हैं इसको लगा के, यार ये लग तो जाएगा एंड कवर भी हो जाएगा इससे, तो यही लगा देता हूँ ना, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थोड़ी है, यही लगा देते हैं। ये लो हो गया कवर भाई, अब टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये रही विंडो, यहाँ से देख लो और यहाँ से भी देख लो। एक यहाँ बनाते पहले बेडरूम, ये हमारा बेडरूम होगा ठीक है ना, ये बेडरूम ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि वॉशरूम भी बनाना है, और गेट बीच में रखेंगे, ये मैंने अभी ऐसे ही कर दिया। एक वॉशरूम बनाना है, बाथरूम कंबाइंड बनाते हैं, वॉशरूम दोनों एक ही ठीक है ना। ये यार ये तो गलती हो गई कुछ मेरे से, आई थिंक मुझे प्लैंक्स लगाने पड़ेंगे जल्दी से जाके।
प्लैंक ये पड़े सारे प्लैंक। चलो जल्दी से जाके भाग के लगा देता हूँ यार। बारिश हो गई, बारिश उतर गई, रुक गई भाई बारिश, बारिश हो गई खत्म। ये था हमारा वॉशरूम आई थिंक, हाँ वॉशरूम बनाया था मैंने ये, और ये रहा इसका गेट। अरे नहीं लकड़ी नहीं, वे पूरा लकड़ी का नहीं बनाना ना, स्टोन भाई, स्टोन का काम हो रहा था, पूरा स्टोन का काम करो। हो गया सही, अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। चलो भाई एकदम परफेक्ट, ये वॉशरूम यहाँ पे नहाएंगे, नहीं यहाँ पॉटी करेंगे, यहाँ नहाएंगे। ये गेट लगा देते हैं बढ़िया सा, भाई गजब गजब लग रहा है अब तो, एकदम गजब। अब मुझे बस अंदर का सारा सामान लेके आना है जो मिलेगा सीधा मार्केट से, और एक यार उसका भाई मुझे एक आइडिया है जैसे, हाँ यहाँ पे गेट लगाना था ना, वो आइडिया भी आपको बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पे गेट लगा देता हूँ। ये लग गया गेट, और स्टोन उठाओ जो पड़े हैं भाई, बहुत कीमती है इस टाइम तो, सोने से ज़्यादा कीमती लग रहा है मुझे स्टोन। ये मैं ओपन ही छोड़ दूँ क्या? नहीं ओपन अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ लगाऊंगा बेड, बेड नीचे लेके आता हूँ, यहाँ लगाता हूँ मेरा बेड, मेरा बेड, मेरा बेड, मेरा बेड। चल ऊपर बेटा, तेरा काम ऊपर है, ये लो बेड भी लगा देते हैं। बेड इस तरफ लगा, ठीक है, और उस तरफ एक लैम्प, एक और लैम्प इधर, जो अच्छी लगेगी देखने में भी वो बढ़िया लगेगी। ओह भाई ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया, बस ऊपर का कवर करना है, एंड मार्केट से जल्दी जाके सामान लेके आता हूँ जो जो मुझे ज़रूरी लगते हैं। जल्दी चलते, चलो लो भाई पहुँच गए मार्केट, बारिश भी बंद हो गई है, क्या सुहाना मौसम हो रहा है भाई इस टाइम। पहाड़ों पर यही तो मज़े है, बारिश होने का जो मौसम होता है ना खतरनाक हो जाता है। ओए ये क्या है, कोई जंगली जानवर तो नहीं है? नहीं जंगली जानवर, अबे ये अच्छा पानी है ना, ये पानी की पचपची, मुझे ऐसा लग रहा कोई जानवर आ गया। तो भाई देखो पहले बनाते हैं अपना, कहाँ गया बेडरूम, बेडरूम का सामान बनाते हैं, ये तो किसी काम का नहीं है यार ये सब चीज़ है ना। बेड साइड टेबल है, ये रॉकिंग चेयर है, मिरर, ये देखो ये तो चेयर मुझे दो चार चाहिए, एंड ये ड्रेसिंग टेबल भी एक ले लेते हैं, और मिरर, एक मिरर रख लेते हैं, और ये क्या कोट का रैक है ये, नहीं एक और ड्रॉप ले लेते हैं ना भाई, ये काम की होगी ना। बाथरूम का सामान लेना, सिंक लेना है, एक बाथ टब लेना है, और पैसे ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं, एक ही लेना है, और सिंक तो मैंने ले लिया है वाला, और शेल्फ, शेल्फ का भी कुछ काम नहीं है, टॉयलेट पेपर बाद में लगाएंगे, जो मेन मेन चीज़ है वो रख लेते हैं ना भाई, ट्रैश कैन बाद में, और ये रहा ये चाहिए, और स्पॉन्ज वॉन्ज बाद में, किचन का सामान अभी। ओ भाई किचन तो रह गया, अबे किचन नहीं बनाया मैंने भाई, मैं जो नीचे रहा नीचे किचन बनाऊंगा, मैं नीचे किचन बनाने वाला हूँ। किचन का सामान ये रहा, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर चार रखता हूँ बस, ठीक है ना। किचन सिंक, कैबिनेट एक ये आ गया, ठीक है, और कुकिंग का अभी कुकिंग वो भी लेना पड़ेगा, मेरे पैसे बहुत कम बचे हैं इसके लिए, मैंने पहले लाइट ले लेता हूँ यार, एक ना सीलिंग लैम्प लेनी बहुत ज़रूरी है। फूड 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 भी नहीं है, सॉरी मैं, अबे ये कर लीजिए मैंने गलती से, कोई नहीं खा लेंगे। प्लांट, प्लांट्स भी लगाने ज़रूरी है अपने घर के बाहर। टूल्स, टूल्स यार, फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट, और पेंट भी करना है अभी तो अपना घर, बहुत सारा काम बचा है मेरे गाइस, मैंने बहुत सारा सामान ले लिया आज तो, जल्दी जाके लगा के आते हैं अपने घर पे। चलो यार पहुंच गए घर अपने, जल्दी से कंप्लीट करते जो जो मैं सामान लेके आया हूँ उसको लगाते हैं। तो पहले कौन सा था काम, मिरर, एक मिरर तो ये बात उसका है, टॉयलेट लगाते हैं सबसे पहले, पॉट, पॉट इस तरफ लगाऊँ किस तरफ लगाऊँ, इस तरफ लगाते हैं, और नहीं इस तरफ लगाते हैं यार, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वैसे बाथरूम हमारा, यहाँ पे किचन भी बन सकता पता है, किचन भी हो सकता था, बट मैं किचन नीचे बना दूंगा। इस तरफ लगा दे पॉट, थोड़ा बैठने की जगह लगाओ। ओए 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 क्या लग रहा है, ओ भाई काम भी करता है यार ये तो, ले भाई काम भी करता है। और शाम ये तो जो किचन वाली है भाई, कैबिनेट नहीं सिंक लगाना ना हमें, सिंक यहाँ पे, ओ ये रहा सिंक, ठीक है बेटर है भाई, खतरनाक खतरनाक लग रहा है। यहाँ से उठे, यहाँ लगाया, और मिरर, मिरर यहीं लगा दूँ क्या? ठीक है मिरर लगा दी यहाँ पे, एकदम परफेक्ट, बट ये वाला मिरर है नहीं जो मैं हम सोच रहे हैं, कोई नहीं ये मिरर यहीं से लग रहा है। बाथ टब, एक बाथ टब यहाँ पे लगाना था, ये रहा बाथ टब, यहाँ पे आराम से बैठ के नहाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कोने में लगाते हैं,
कहाँ गया बाथटब? बाथटब बाथटब कहाँ गया? अच्छा ये रहा। भाई मैं डर जाता हूँ यार, पैसे खर्च होते हैं तो डर जाता हूँ मैं। यहाँ बाथटब, ऊपर से पानी आएगा, नहा लेंगे यहीं पे। यार टूट गया फिर से, मैं क्या कर रहा हूँ ये भाई। घर बनाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना मुझे, और ये एक ही यहाँ पे ये लग गया यहाँ पे। ठीक है भाई, भाई क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है अपना घर ये थोड़ा अभी खाली खाली सा है, हम किसको भी कवर कर देंगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। एंड यहाँ पे जो मैं बेडरूम का सामान लेके आया हूँ, बेडरूम के सामान कहाँ है सारा? एक ही वार्डरोब है, इसको यहाँ लगाते हैं अपने बेड के बिल्कुल इधर। यहाँ पे हम कपड़े अपना कुछ भी रख सकते हैं। ओए भाई वार्डरोब में हम कुछ भी सामान लोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कपड़े वपड़े ही लोड करेंगे, नहीं कुछ भी भाई, कुछ भी सामान आ जाएगा यहाँ पे। अब अच्छा लग रहा है। और क्या लेके आऊँ मैं इसके लिए, यहाँ के लिए कैबिनेट तो नीचे का ही है। हाँ एक रॉकिंग चेयर यहाँ लगा देते हैं, जिससे यहाँ पे बैठ के वादिया देखें हम। यार बट्टी रॉकिंग चेयर ना बहुत अजीब सी भूत वाली फीलिंग लाती है, डर लगता है यार। रॉकिंग चेयर बाद में लगाएंगे, अभी यही सही है वार्डरोब और ये। और नीचे का किचन का सामान लगा देता हूँ सबसे पहले। और किचन ये रहा, किचन में बनाता हूँ इसको, इसको किचन बना देते हैं। ठीक है ना, सिंक सिंक यहाँ सही है यार, सही लगेगा ना यहाँ पे ये किचन, सही है ना? आप लोग बताना अगर यहाँ पे किचन अगर मुझे हटाना हो, मैं हटा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। कैबिनेट, एक कैबिनेट यहाँ पे सही है यार, अच्छा लग रहा है यार, जबकि बहुत अच्छा लग रहा है यार। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल यहाँ पे ठीक है, और चेयर, डाइनिंग चेयर चार लेके आया हूँ ना मैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और दो यहाँ पे। अब बहुत अच्छा लग रहा है भाई, पहले से ना भरा भरा सा लग रहा है घर, पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं था अपने घर में। भाई क्या लग रहा है, वहाँ खाना बनाया मम्मी ने, यहाँ पे ला के दे देंगी। ठीक है, और ड्रेसिंग टेबल ये कहाँ लगेगी? ये अपने उसके लिए थी, बेडरूम के लिए लेके आया था भाई मैं, इसको भी लगाते हैं बेडरूम में जाके, ये लगाते हैं यहाँ। ठीक है भाई, अब बड़े लग रहा है। थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो करनी बाकी है अभी, उसको भी कर लेते हैं। दिखाता हूँ मुझे क्या क्या करना है। एक तो भाई ऊपर फ्लोर डालना है, मतलब एक कवर करना है उसको पूरे फ्लोर को, उसके ऊपर एक छत बनानी, मतलब जैसे टेरेस बनाना है। चलो उसको बनाते हैं सबसे पहले। चलो यार रूफ को कवर करने का काम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि अबे रात हो गई क्या? थोड़ा सो जाते हैं पहले, उससे पहले। हाँ सो गए, चलो रात हो गई थी, सुबह बस जल्दी से, अच्छा सा मौसम हो। ओए ओए क्या बढ़िया मौसम है, काम करने का लग ही मज़ा आएगा। जल्दी से फ्लोर डालना चालू करते हैं। स्टोन अपने पास इनफ है, मतलब इतने हो जाएंगे कि मेरा फ्लोर डल जाए सही से। और ये रहा ऊपर का फ्लोर है ना, ये कवर कर देता हूँ बिल्कुल अच्छे से। अरे मटेरियल ख़त्म, क्या हुआ था? एंड ना मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ एक और ऊपर जाने के लिए रास्ता तो बनेगा ही बनेगा ना यार, ऐसे थोड़ी वो कर देंगे, छोड़ देंगे ऐसे। ये इधर से यहाँ एंड ये रहा यहाँ, और ऊपर का ही तोड़ देता हूँ। अरे यार ऊपर का मैंने तोड़ा नहीं, गलती से उसको ही बना दिया। ठीक है ये सही है, अभी ढंग से बना देते हैं इसको। ये यहाँ पे, यहाँ पहले बनाना पड़ेगा फ्लोर, पहले स्टोन कलेक्ट करके फ्लोर लगाते हैं ऊपर का। ये बाथरूम देखो, यहाँ से कोई भी घुस जाएगा अभी, तो इसको जल्दी से कवर करना पड़ेगा भाई। ओके एकदम, एक इधर एंड एक इधर एंड एक इधर। ठीक है एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा लग रहा है भाई। अब तो कैसा लग रहा है भाई बताओ? भाई अब तो सारा पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ का, इतनी ऊपर आके। तो जल्दी से और स्टोन लेके आते हैं। नहीं यार ये वाला हटाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, हाँ ये वाला हटाना पड़ेगा। चलो यार लाइट्स लगाना चालू करते हैं पहले यहाँ की, बाथरूम की, हो गया एकदम क्लियर। एंड एक बाहर सब तरफ लाइट्स होनी चाहिए ना यार, अंधेरा कहीं भी नहीं लगना चाहिए बाहर वो। एंड यहाँ पे दो लाइट्स लगेंगी, एक यहाँ पे एंड एक एक यहाँ पे। चलो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अब कितना अच्छा लग रहा है। एक बार ना जब सारा बन जाएगा ना, आपको एक बार सही से रूम टूर देता हूँ, मतलब पूरा हाउस टूर देता हूँ आपको। एंड ये ऊपर का मैंने कवर कर दिया है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो बनानी है, वो मैं सोच रहा हूँ कैसे बनाई जाए। ये एक तो स्टोन का फ्लोर है, स्टोन फ्लोर स्मॉल फ्लोर है ना, तो मैंने ये फ्लोर के काम आएगा।
मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना ये ऐसे लगाई जाए क्या? ऐसे लगाई जाएगी तो फिर तो पूरा ढक जाएगा यार, ये मजा नहीं आएगा फिर देखने में। अगर मैं यहाँ पे फैंसीज लगाऊं, फैंसीज में मजा नहीं आएगा। कुछ और देखते हैं, कुछ अच्छा सा लगे यार। आई थिंक यही लगेगा यार, यही लगेंगे यहाँ पे। बट थोड़ा नीचे करके लगाता हूँ, अगर नीचे करके लगेगा तो। नहीं, नहीं लग रहा नीचे करके यार, फिर मजा नहीं आएगा। खुला खुला सा नहीं लगेगा, देखो फिर ना ये बंद बंद सा लगेगा। अभी मजा नहीं आ रहा, इसे तोड़ो। चल भाई चल, पत्थर तो नीचे से उठा लूंगा मैं। अभी देखो कितना सही लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा तो बिल्कुल सामने का दिखेगा नहीं ना बिल्कुल भी। तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। अगर मुझे बढ़ाना होगा कभी अपना इन फ्यूचर में घर, तो मैं बढ़ा सकता हूँ। बट यहाँ पे गेट लगाना जरूरी है, तो गेट लगा देते हैं स्टोन की बड़ी। ठीक है, इसको यहाँ पे कवर कर देता हूँ ना यार, ऊपर का रास्ता फिर वो ना हो ना। ठीक है, अब एकदम सही हो गया। और एक डोर ऊपर, नहीं यहाँ पे थोड़ा ट्राइंगल वाला शेप में, अच्छे से शेप में बनाते ना, अजीब सा ना लगे। ये नहीं, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। ये यहाँ पे लगाते हैं, अब बिल्कुल बेटर लग रहा है। एंड एक ये लगेगा यहाँ पे। ओए होए 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 भाई, क्या लग रहा है ना यार, अब लग रहा है कुछ कुछ, अब लग रहा है बढ़िया। थोड़े स्टोन चाहिए, स्टोन लेके आते हैं, फिर हमारा पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा। ये बीच में अड़ रहा है क्या, इसको तोड़ दिया जाए क्या? हाँ ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था, सही है, मैंने तोड़ दिया। थोड़े स्टोन अंदर से लेके आते हैं, ये रहे सारे, उठा लेता हूँ जितने आ सकते हैं इन्वेंट्रीज में। और अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या है, कौन सुसु करके यहाँ पे? यहाँ भी थोड़े थोड़े से स्टोन छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे वुडन प्लैंक भी चाहिए अभी काम के लिए। इसको भी उठा के लेके आना पड़ेगा। गेट भी लगेगा ना ऊपर, तो वुडन प्लैंक के गेट लगेगा। चलो हो गया भाई, ऑलमोस्ट पूरा घर कंप्लीट हो चुका है। फिर देते हैं आपको हाउस टूर। गेट, यार ये फिर बारिश आने लग गई। बारिश ना इतनी आती है ना यहाँ पे, मैं परेशान हो गया बारिश सब कसम से। एंड एक ट्राइंगल का मैंने छोटा वाला पीस देखा था, छोटा ट्राइंगल नहीं वाला, यही वाला लगा देते ना, विंडो वाला ट्राइंगल बेटर है भाई। खतरनाक यार, खतरनाक। क्या बन गया अपना घर, बहुत तगड़ा लग रहा है यार, बहुत तगड़ा लग रहा है। बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। और थोड़ी लाइट्स यहाँ पे भी लगानी बाकी है अभी, पहले लाइट लगा देता हूँ। लाइट 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 अपने पास है, ये रही। क्या लग रहा है भाई, छत पे थोड़ी लाइट लगा देते हैं। यहाँ पे वैसे इतनी बारिश होती है, अगर रात को आऊँगा गिर जाऊँगा। दूर से दिखना चाहिए ना अपना घर। यहाँ पे भी एक दो, तीन बच्ची है, तीन लगा देता हूँ यार, किस काम की मेरे। अगर मैं कभी जंगल में खो गया तो यही लाइट्स काम आएगी मेरे। अब बाहर भी लाइट लगा दी मैंने। ओए भाई, अब चलो अब देते हैं आपको हाउस टूर। नीचे जाता हूँ, भाग के यहीं से कूद जाता हूँ, यहाँ से देता हूँ हाउस टूर। देखो भाई क्या लग रहा है अपना घर, प्यारा सा घर लग रहा है भाई, बहुत प्यारा घर लग रहा है। चलो हाउस टूर देते हैं भाई। ये हो गया हमारा लिविंग रूम, जिसमें अभी थोड़ा सामान डालना बाकी है। रुक जाओ, अभी मैं बाद में डालूंगा उन सामान को। ये जैसे यहाँ पे कोई गेस्ट वेस्ट आए वो यहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। और ये हमारा किचन, यहीं से खाना पीना लॉन्डो को यहीं पे दे दिया बढ़िया करके। और ये हमारा, ये देखो ये हमारी दादी अम्माओं के लिए या दादा दादी के लिए, इस बंदे के यहाँ पे मैंने चेयर लगा दी, जिससे बाहर का नज़ारा दिखता रहे। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, यार हमारे बीच में आ रहा है क्या? इसे थोड़ा मुझे बाद में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ सीढ़ी चढ़ते ही यहाँ कोई वो नहीं है गैप जाने के लिए ज़्यादा। तो ये हमारा है बेडरूम, यहाँ पे सो सकते हैं बढ़िया। और ये रहा हमारा बाथरूम एंड वॉशरूम, जहाँ पे हम नहा सकते हैं, पॉटी कर सकते हैं, पॉटी कर भी ली है। और ये हमारी छत है, जहाँ से पूरा सब कुछ दिखता है। और बहुत तेज तूफान आ रहा है, बढ़िया मज़ेदार एकदम घर हमारा। तो कैसा लगा भाई तुम्हारे भाई का नया घर? अगर बढ़िया लगा हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के बटन तीनों दबा देना जल्दी से भाई।